नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैग टीवी हिंदी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बोटी लक्स। दोस्तों, ओप्पो ने चाइनीज मार्केट में अपना ओप्पो पैड एयर को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अभी तक का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक इसके साथ में आपको 10.36 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसके साथ में आपको क्वैड स्पीकर देखने को मिलेगा डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में। इसके साथ में आपको जो है 8 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा 5 MP के फ्रंट कैमरा के साथ में। कहा जा रहा है कि इस वाले टैब का जो वेट होगा वो 440 ग्राम के अप्रॉक्स होगा और ये वाला टैब जो है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ में आएगा। इसके साथ में आपको 4GB रैम और 64GB रोम का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जिसको कि आप माइक्रो SD कार्ड लगा करके एक्सपेंड कर पाइएगा। दोस्तों, ये जो है एंड्रॉयड 12 के साथ में आएगा। इसके साथ में आपको कलर OS देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस वाले टैब के बैटरी की तो इसके साथ में आपको 7100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 18W के फास्ट चार्जर के साथ में। कहा जा रहा है कि ये वाला टैब जो है जुलाई के मिड तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है और ये वाला टैब जो है बजट सेगमेंट का होने वाला है। तो अब देखना है कि कब ये वाला टैब आता है और कितना ज़्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।